ऑनलाइन शॉपिंग के विरोध में कानपुर के व्यापारियों ने अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले गोविंद नगर चौराहे पर विभिन्न व्यापार मंडल के व्यापारी एकजुट होकर फटे कपड़े पहनकर हाथों में कटोरा लेकर दुकान दुकान जाकर भीख मांग प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने ऑनलाइन बाजार मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार से ऑनलाइन मार्केटिंग कराने वाली कंपनियों को बंद करने की मांग की। नाराज व्यापारियों ने वाराणसी के रविंद्रपुरी में बने प्रधानमंत्री कार्यालय के बाहर बड़ा प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी और इस दौरान पूरे प्रदेश के सभी व्यापारी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे और बड़ा आंदोलन चलाकर इन कंपनियों को प्रतिबंधित करने की मांग करेंगे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री ज्ञानेश मिश्रा ने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के कारण 5 करोड़ फुटकर व्यापारी प्रभावित हुए हैं। ऑनलाइन कंपनियों ने देश के 5 करोड़ फुटकर व्यापारियों के व्यापार को निगलने का काम लगातार दीपावली के कुछ दिन पहले से शुरू कर दिया है और ये कंपनियां कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार करके जनता को अपने भ्रामक प्रचार के माध्यम से फंसाकर, जबकि कई बड़ी कंपनियां LG, सैमसंग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्विस और वारंटी हम ऑनलाइन कंपनियों के खरीदे हुए प्रोडक्ट पर नहीं दे पाएंगे, इसके बावजूद ये कंपनियां भ्रामक प्रचार कर रही हैं, जनता को अपने भ्रामक प्रचार के माध्यम से फंसा रही हैं और खास करके देश का 5 करोड़ फुटकर व्यापारी उनके व्यापार से प्रभावित हो रहा है, कहीं ना कहीं बर्बाद होने की कगार पर आ रहा है। आज हमने स्थिति दर्शाई है कि ऑनलाइन कंपनियां और वायदा बाजार से भी लोग बर्बाद हो रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने कहा था चुनाव से पहले कि खाद्य पदार्थों को वायदा बाजार से हटाया जाएगा, अभी 10 दिन पहले 7 वस्तुएं अरहर और उड़द सहित 7 वस्तुएं उसमें और बढ़ा दी गई जो 2009 में प्रतिबंधित की गई थी। वायदा बाजार और ऑनलाइन कंपनियों के विरोध में हम ये दर्शाने का काम कर रहे हैं। आने वाली परिस्थिति व्यापारियों की यही है, फटे कपड़ों में भीख मांगेंगे।